मौसम बेमौसम, मौसम की मार, कुछ ऐसा ही आलम है मध्य प्रदेश में, जहां मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार है तो कई जगहों पर आंधी बारिश जारी है। प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया है कि कल से पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश में एक्टिव होने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ओले गिरने के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। रीवा संभाग के जिलों के साथ निवाड़ी, अनूपपुर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले में बारिश के आसार बन रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मंडला जिले में दर्ज की गई है। वहीं नरसिंहपुर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो इस तरह से तापमान विषमता भी दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी एक साइकिल सर्कुलेशन सेंट्रल मध्य प्रदेश से में बना हुआ है, वहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है साउथ तमिलनाडु से जा रही है, और जो है एक अपने क्या बोलते हैं पश्चिम विक्षोभ 26 तारीख से कल से एक और एक्टिव होने वाला है। इसकी वजह से जो है आपके पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में तो कहीं कहीं हल्की वर्षा होगी, मगर पूरी मध्य प्रदेश में 4-5 दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है और कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं।